श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, गंगा तिसरा 9 जून को पड़ रहा है। गंगा तिसरा बहुत ही विशेष रहता है। इस दिन आपको गंगा जल से एक विशेष उपाय करना है जो गुरुजी पंडित जी ने पहले की कथाओं में बताया है। मैंने वीडियो में करके समझाया हमें करना कैसे है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। सो दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन आपको क्या करना है, अगर आप किसी कार्य में लगे पड़े हैं और उस कार्य के लिए जाते हैं पर वो कार्य बनता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी के अंदर आप डालेंगे गंगा जल। गंगा जल डालकर उसमें डालेंगे एक या दो, पांच, दस, जितने का भी सिक्का आपके पास हो, वो सिक्का उसके अंदर कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर उसमें डाल देंगे। ठीक है, यह कटोरी आपका जो पानी का स्थान रहता है वहां पर रखकर अपनी कामना बोलकर और करने के लिए निकल जाइए। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, आप देखेंगे वह कार्य आपका पूरा हो ही जाएगा। जब आप उस कार्य को करके आएंगे तब आप क्या करेंगे, उस कटोरी का जल और जो उसमें सिक्का डाला है, सिक्का तो चढ़ा देंगे हम किसी भी मंदिर की दानपेटी में, और जो गंगा जल है वो कुंद केश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप देखेंगे आप जिस भी कार्य ले गए वो कार्य आपका होकर ही रहेगा, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।